बस मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ कुकर में। बहुत ही देखिए सॉफ्ट इडली बनके तैयार हुई है। देखिए ये डेढ़ कटोरी चावल है और आधा कटोरी उड़द धुली दाल है जिसे मैंने सोख किया था। अब मैं इसे पीसने के लिए जा रही हूँ। और चावल को देखिए मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है। चम्मच पे जो बैटर आया है उससे आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि इडली के लिए जो चावल पीसे जाते हैं वो थोड़े कोरस होते हैं, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया जाता। और ये देखिए दाल का मैंने कितना फाइन पेस्ट बनाया है। दाल बिल्कुल हमें अच्छे से महीन पीसनी होती है। दाल चावल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ तो फ्रेंड्स पटियाला में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज तो हमने इडली के साथ सिर्फ कोकोनट चटनी का ही प्रोग्राम रखा है, सांभर नहीं खाएंगे, थोड़ा हल्का ही रखेंगे, कूल थोड़ा कोकोनट चटनी। ये देखिए इडली का बैटर इतना हमने गाढ़ा रखा है। बस अगर गाढ़ा होगा तो बाद में पानी मिक्स हो जाएगा, लेकिन पतला हो गया तो फिर इडली अच्छे से नहीं बनेगी। आधा चम्मच नमक डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पतीले को ढक के मैं धूप में रख रही हूँ, दिन भर में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। इडली हमें डिनर में बनानी है। अब डिनर का टाइम हो गया है और अब मैं बना लेती हूँ कोकोनट चटनी। कोकोनट के ऊपर से ये ब्राउन वाला छिलका जो है ये हम सारा रिमूव कर देंगे और बस इसको अब हम कोकोनट को बारीक बारीक काट के एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़े से ये पीनट्स डाल रही हूँ। वैसे तो मैं जब कोकोनट चटनी बनाती हूँ तो भुने हुए चने डालती हूँ, आज घर में थे नहीं भुने हुए चने। और एक ये हरी मिर्च भी डाल देंगे हम। पीनट डाल के भी मैंने पहले एक बार बनाई है, कोकोनट चटनी टेस्टी बनती है। और ये थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, प्रीतिस किचन जर्नी, जिसमें आपको ओनली कुकिंग वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट भी किया कीजिए। पानी डाल के हम इस चटनी को पीसते रहेंगे जब तक कि इसकी राइट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। अब थोड़ा सा देखिए मैं पानी और डाल रही हूँ, थोड़ा सा और चला लेते हैं इसे। अभी हम आज ना मैं थोड़ा कोकोनट चटनी ना थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि हमने आज सांभर नहीं बनाया है तो थोड़ी सी पतली ही कोकोनट चटनी रखूँगी। बस इतनी पतली ठीक ही लग रही है मुझे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं अपने जिस दूसरे चैनल के बारे में बात कर रही थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं इडली के बैटर को। बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। और ये वो पानी है जिसमें मैंने दाल को भिगोया था। इसको जब हम इडली के बैटर में ऐड करते हैं ना तो इडली थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा पानी हमेशा बचा के रख लेती हूँ। थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, एकदम राइट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा अगर बैटर होगा तो टाइट हो जाएगी इडली। ये मुझे ठीक लग रहा है, बस ये ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इडली। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप भी ऐसे दाल का पानी थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं इडली के बैटर में मिक्स करने के लिए, और अगर नहीं तो एक बार करके ज़रूर देखना। बस इस तरह से हम इडली के बैटर को इडली मोल्ड में सारा फिल कर लेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और इस रेसिपी को शेयर भी करना। ये 5 लीटर का कुकर लिया है जिसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। पहले इस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ज़रा उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसमें इडली स्टैंड को रखते हैं। ये देखिए चटनी भी मेरे बनके तैयार है, पानी में भी उबाल आ गया। अब हम इडली स्टैंड को रख देते हैं। हम इसे 5 से 7 मिनट तेज़ आँच पर रखेंगे और 5 से 7 मिनट इसको हम सिम आँच पर रखेंगे, तब तो हमारी इडली बनके तैयार हो जाएगी। अब हम चटनी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने ये थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और मैं ये कड़ी पत्ता भी ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं ये राई भी डालूँगी और एक ये मैंने डाल दी लाल मिर्च और थोड़ा कड़ी पत्ता।
बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम इसे अपनी चटनी में ऐड कर देंगे। देखिए मैंने चटनी में ऐड कर दिया तड़का, चटनी बनके तैयार हो गई है, परफेक्ट है बिल्कुल। अब ज़रा मैं कुकर को भी खोल के देखती हूँ कि इडली बन गई। गरम लग रहा है अभी तो, रुकिए मैं इसको कपड़े से पकड़ के निकालती हूँ, मतलब पोड़े से दिखाती हूँ आपको इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। अभी थोड़ा ना गरम गरम है, थोड़ा सा ठंडी होने के बाद निकालती हूँ। ये देखिए कितना इजीली निकल गई इडली और कितनी सॉफ्ट बनी है और जालीदार। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा ये सारी इडली रिमूव कर लूँ, तब तक थोड़ा सा ठंडी भी हो जाएगी। ये देखिए सारी इडली बनके तैयार हो गई है और मैं आपको एक इडली को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है इडली में और इतनी सॉफ्ट बनी है इडली, बढ़िया एकदम। ये फ्रेंड्स अब हम डिनर कर लेते हैं। आज का डिनर है हमारा इडली और कोकोनट चटनी। आपको तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। ओके बाय, कमेंट्स ज़रूर किया करें।